क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ तू मेरे साथ क्या करेगा? माशाल्लाह आप जगह चेक करो, कितनी खूबसूरत है। मुझे तो ऐसा लगता है मैं जब इधर आता हूँ ना, ऐसा लगता है ख्वाब में आ गई हूँ। माशाल्लाह से भाई हमारा जो चूल्हा है वो तैयार हो चुका है और उसमें हमने आग भी लगा दी है। ये देखें हमने चारों तरफ इसके बड़ा मक्खन मैंने इसके पेट में घुसड़ दिया है, सारी चीजें हम घुसड़ेंगे इसके पेट में। और ये आ गए, ये है पनीर। यार भाई साहब क्या मजेदार पानी है, इतना सुकून मिल रहा है और गहरा भी बहुत। यार क्या चीज है, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम खवातीनो हजरात, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अरे भाई साहब आज मेरे साथ कौन मौजूद है? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, मगर इतना सा बच्चा गाड़ी चला रहा है। अरे भाई साहब तुम्हें गाड़ी चलाना आती भी है? मुझे गाड़ी चलाना नहीं, उड़ाना आती है मुझे। झूठ बोल रहा है, नहीं कर। अरे भाई, अरे भाई साहब, अरे नहीं 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 नहीं, अरे भाई साहब चुप करे मैनेजर। सुनो सुनो, अरे बस बेचारे लगे, अम्मी को शिकायत लगा दूंगा। अरे भाई इतनी तेजी चलाया करो भाई, भाई मेरी तो हालत खराब हो गई। आज हम जिस काम से जा रहे हैं आज बहुत ही बड़ा कोई कांड करने वाले हैं हम। ये बॉय आज ऐसा कांड करने वाले कि आपको मजा आ जाएगा, मजा। अरे कहना क्या चाहते हो? ऐसा धमाका करेंगे आज तो। आज हम उसी जगह पर जा रहे हैं जिस जगह को आपके भाई ने डिस्कवर किया था, इतनी कोई बाप जगह है ना वो। कौन से गांव में लेके जा रहे हो यार, ये तो अंदर ही अंदर जाए जा रहे हैं हम। अबे भाई यहाँ तो डायनासोर वगैरह भी होंगे। मैं पागल वागल हो गया? नहीं नहीं नहीं, नहीं। कौन सा? यहाँ डायनासोर नहीं है, यहाँ बड़े बड़े सांप हैं और वो ऐसे आते हैं ऐसे करके डसते हैं। यार फात भाई नहीं करो यार, देखो नहीं नहीं नहीं, शादी भी नहीं हुई, मैं भी बहुत छोटा बच्चा हूँ, ठीक है ना? अभी मुझे शादी करनी है, बच्चे करने, बहुत कुछ करना है जिंदगी में। अभी तो मेरे मिलियन भी नहीं हुए यार। शादी तो मेरी भी नहीं हुई। अबे इतने बड़े हो गए अभी तक शादी नहीं हुई? जाओ यार, जाओ यार, मेरी तो कम से कम डेट भी फिक्स हो गई है। अरे माशाल्लाह जगह चेक कर रहे हो? अरे भाई आज तो हम नहाएंगे भी, मजा ही मजा आ जाएगा। मगर यार सर्दी भी आज तो है रहे, सर्दी की ऐसी की तैसी। अच्छा हम नहाएंगे मगर मजा आ जाएगा। चेक करो वो भाई साहब पानी। अरे भाई साहब आपका भाई तो पानी का कीड़ा है, अब तो छोड़ेगा नहीं आज। ओके फाइनली आपका भाई आ चुका है इधर जगह पे और आपके भाई का मेहमान भी आया है साथ। गेस करो इसके अंदर क्या चीज है। गाऊं क्या? ये चेक करो इसके अंदर क्या चीज है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ओ प्यारा वाला काला वाला दोस्त, कहीं जाइयो नहीं। नहीं नहीं नहीं, ओ भाई साहब, अबे भैंस की टांग, अबे पकड़ो यार इसको। अबे यार, अबे कांटे भी बहुत हैं इधर तो, ये भाग ना जाए। अबे भाई ये पकड़ लिया, तुझे कहीं जाने भी नहीं दूंगा। आज पता है ना तेरे साथ क्या होगा? नहीं क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ तू मेरे साथ क्या करेगा, बता मुझे मेरे साथ क्या करेगा। अरे भाई मुर्गे भाई, मुर्गे भाई, काले वाले 1 लाख वाले भाई, मैं आपके साथ कुछ नहीं करूंगा, आप टेंशन मत लो। करेगा मुझे बता फौरन, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अच्छा मुर्गे भाई ऐसा आप कुछ भी मत करेगा, क्योंकि आपने पिछली बार भी मुझे मारा था। अरे फाद भाई इस मुर्गे का आप करोगे क्या? अरे तो मुर्गे भाई से पूछो ना, मुर्गे भाई से पूछो क्या करूंगा। मुर्गा भाई बताओ यार आपके साथ ये क्या करने वाले? मुझे नहीं पता ये फाद मेरे साथ क्या करेगा, मगर तुम मुझे हाथ नहीं लगाइए मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आप तो मेरे इतने अच्छे से दोस्त हो ना, आप तो मेरे 1,25,000 रुपए के दोस्त हो ना। ये फात भाई के कौन सी जगह है यार, यहाँ तो झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ और इतना बड़ा स्विमिंग पूल। अबे भाई साहब ये जगह किसी को पता ही नहीं थी, आपके भाई ने दरियाफ्त की थी। चेक करो इधर भी समंदर। अरे तुम तो चुप करो। चुप करे मैनेजर, अभी पता चल जाएगा क्या करेंगे। ये देखो इधर भी समुंदर, इधर भी समुंदर, हर तरफ पानी ही पानी। आज तो मजा आ जाएगा, नहाओगे ना तुम? हाँ नहाऊंगा, लेकिन इसको तो पीछे करो यार, काट वाट लेगा। हाँ वैसे इसकी दुश्मनी है तुमसे, तो आज हम इसके साथ क्या करेंगे बताऊं आपको? आज हम इसके साथ बहुत ही कोई आला काम करने वाले है। आज हम इसको करेंगे ये सुकून, आज हम इसको करेंगे जिबा। तो मुझे क्यों कर रहे हो यार? पहले मुझ पे डेमो दे रहे हो, करो उसको करो भाई। ये बाबूराव का स्टाइल है, पहले तुम्हें करें। नहीं नहीं नहीं, 1,25,000 रुपए का मुर्गा जिबा कर देंगे।
क्या यार, हाथों में इतने दिनों से खुजली हो रही थी, हो जा रही थी, आज मजा आ जाएगा। मजा पता चल गया ना तुम्हें हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे? आ, पता चल गया, मगर तुमने मुझे अगर ज़िबा करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे मुर्गे भाई ऐसा मत बोले, मैं तो आपको इतने प्यार से ज़िबा करूंगा। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जा, आपको कुछ भी नहीं होगा पक्का। ठीक है कर लियो, कोई मसला नहीं है। अरे वाह, अब तो मुर्गे भाई ने भी इजाजत दे दी। इस मुर्गे का मैं बनाऊंगा चिकन रोस्टेड, वो भी जमीन के अंदर वाला, एक अलग ही तरीके से बनाऊंगा। बहुत ही ज्यादा मजा आएगा और आप लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलेंगी। तो सामान भी बहुत सारा आ चुका है मेरे पास। एक तो हम मुर्गे को हम साइड में रखते हैं और ये देखें आप कितनी सारी चीजें, तूरी हो गई, इसके साथ ये कॉइल हो गया, बहुत सारी चीजें मेरे पास, थाल वाल फुल चादरे वादरे बिछा दी। अबे मुर्गे को पकड़ लो भाई, मुर्गा कहीं भाग ना जाए। हमने सारी चीजों का इंतजाम कर दिया और अब बस मुर्गे को ज़िबा करने की तैयारी कर रहे हैं। भाई आप लोग सोच रहे थे यार ये फाद भाई ये जगह कौन सी, आपने बताई नहीं यार, आज आपका भाई इस जगह के बारे में भी बताएगा। टेंशन मत लो, सब चीज पता चल जाएगी, खुल्लम खुल्ला सब बता देगा आज आपका भाई। यार माशाल्लाह आप जगह चेक करो कितनी खूबसूरत है। मुझे तो ऐसा लगता है मैं जब इधर आता हूँ ना ऐसा लगता है ख्वाब में आ गई हूँ, ऐसी जगह ख्वाब में होती है यार। फाद भाई वहाँ पे मैंने सांप देखा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। क्या है? हाँ सांप। वो भाई साहब चल 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 चल, कहाँ पे? वो इधर आओ, ये सांप देखा इसने। वो भाई साहब नहीं कर, किधर है किधर है? इधर ही मैंने कहीं देखा था। वो भाई साहब अभी पीछे रहो, मैंने तो चप्पल भी नहीं पहनी हुई। वो भाई अबे इतना नहीं घुसो, तुम लोग मरोगे सब। सांप है इसने देखा है, पक्की बात है। तुमने सांप देखा है? कहाँ है कहाँ है? अबे पागल हाथ क्यों लगा रहा है, दिमाग खराब है तेरा? वो भाई साहब ये देखो, ये चेक करो, नजर आ रहा है सांप? वो भाई असली में सांप है, ये देखो इसका वो नजर आ रहा है स्किन। इसको मैं टच करके देखता हूँ किसी लकड़ी से, यहाँ के हिलेगा नहीं। छोटी लकड़ी है, किधर है? ये रहा ये रहा ये रहा, ये देखो। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, अबे आगे जा रहा है ये तो। अबे अटैक ही ना कर दे हम पे। ये देखें ये देखें देखें ये देखें ये देखें ये देखें, अरे यार बहुत खतरनाक चीज है यार ये वाट ही ना लगा दे हमारी। फाइनली वो वक्त आ चुका है, 1,25,000 रुपए का अयान समानी को हम ज़िबा करने जा रहे हैं बस थोड़े ही पल के बाद। मगर ज़िबा करने वाले कपड़े तो मैंने पहने ही नहीं। अबे यार वो मैं पहन के आता हूँ, तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आ जाओ आ जाओ। अबे एक मिनट, तुम लोग मुझे कपड़े पहनते हुए देखोगे, मुझे नंगा देखोगे? अबे बाद में आना जब मैं कपड़े पहन के आ जाऊंगा, चलो जाओ मैं आता हूँ। YouTube का कसाई is back और आज है इस अयान समानी की शाम। 1,25,000 रुपए का मुर्गा सिबा। देखो यार 1,25,000 बहुत होते हैं, बहुत महंगा मुर्गा है ये, सोने के दाम का मुर्गा है ये, इसको मत सिबा करो यार, दूसरा मुर्गी ला के दे दूंगा मैं आपको, उसका कर दो। क्या करूँ, मेरे हाथ में खुजली है ना। खुजा देता हूँ लेकिन मुर्गा छोड़ दो, बहुत महंगा मुर्गा है, मुर्गा छोड़ दो, बहुत नायाब मुर्गा है। मैं तुम सबको ज़िबा कर दूंगा, कटो यहाँ से, चलो। बात भाई देखो यार, अबे चल, नहीं मान रहे, अबे चल, मैं जा रहा हूँ। अबे यार मुर्गे भाई को ज़िबा करने से पहले मैंने छुरी टेस्ट करना भूल ही गया, हम सबसे पहले छुरी टेस्ट कर लेते। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। हाँ अब हो चुकी है छुरी तेज और अब हम करेंगे इस मुर्गे को ज़िबा। अयान समानी 1,25,000 रुपए का। मुर्गे भाई क्या मैं आपको ज़िबा कर दूँ? लेटे लेटे। हाँ मुझे ज़िबा कर दो, कोई मसला नहीं है। तो लेट्स गो और अब हम इसको ज़िबा करते हैं। अबे भाई अल्लाह ताला की शान चेक करो, मैंने सिर्फ बोला है बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर और ये मुर्गा जो है जमीन पे खुद ब खुद लेट गया, मैंने कुछ किया भी नहीं है। देखें अपनी आंखें भी बंद कर ली, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, सिर्फ मैंने इसको प्यार किया, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, ये मुर्गा खुद ब खुद लेट गया यार। वो भाई साहब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। चलो भाई फाइनली अब वो वक्त आ गया है, अब हम मुर्गे को ज़िबा करेंगे। मुर्गे को पकड़ के रखना है तुम्हें, छोड़ना नहीं है। चलो भाई, भाई यूट्यूब बहुत चिरान करता है कि यार अगर आपने मुर्गे को काटते हुए खून दिखा दिया या हल्का सा भी खून दिखा दिया तो डीमोनेटाइज कर देता है उस वीडियो को, मगर आज हम पूरा मुर्गा ज़िबा करते हुए दिखाएंगे। होने दो डीमोनेटाइज फाद भाई की वीडियो को, ऐसी की तैसी तुम लोगों के लिए ये वीडियो वफ है। चलो भाई बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। क्या कर रहे हो यार? उसको ज़िबा करना था। ये क्या हो गया? अरे भाई गलती से मिस्टेक हो गई, इसके नसीब में था तो जाने दो यार इसको। अबे मैं पिछली बार भी ज़िबा हुआ था। तुम तो 1,25,000 के नहीं हो। हाँ मैं उससे सस्ता हूँ।
बस सही है, चलो अल्लाह ताला का नाम लेते हैं और बस बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ के इसको ज़िबा कर देते हैं। चलो भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये नाली है, यही नाली है ना, यही है, हाँ यही है, यही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह अकबर, बस गया। ये वो है ना, देसी है ना, कट गई, ये गर्दन है, बहुत ताकत है यार, माशाल्लाह से, कितनी ताकत है यार, सुभान अल्लाह। बोलूँ ये मुर्गा हो भी चुका, बहुत बड़ा हो चुका था, 7 साल इसकी उम्र थी। मुर्गा ज़्यादा से ज़्यादा ना 5 साल 6 साल जीता है, इससे ज़्यादा नहीं जीता। 7 साल उम्र हो गई, 7 साल उम्र हो गई थी इसकी, और ये बुढ़ा हो गया था। अच्छा है, ज़िबा हो गया यार, अल्लाह ताला के पास चले। अल्लाह ताला ने कितनी ताकत वाली चीज़ें, जानवर गाय के अंदर कितनी ताकत होती है, और अल्लाह ने वो हमारे लिए बनाया, हमारे लिए खाने के लिए। कितने लोग हैं जिसमें हम सिर्फ खाते हैं, हम सिर्फ मुसलमान लोग सिर्फ उसको नहीं खाते, अल्लाह ताला ने कलमे की ताकत, वो उनको नसीब ही नहीं, उनको नसीब कलमे की ताकत। हाँ माशाल्लाह से जानवर जो है हमारा ठंडा हो चुका है, जो हमारा मुर्गा था आयान समानी, और अब इसकी हम खाल उतारते हैं जल्दी से, और फिर इसको हम पकाने की तरफ लेके चलते हैं। चलो भाई इसकी जल्दी जल्दी खाल उतारें, उतारो ना आप भी तो उतारो, हाथ लगाओ भाई, खाल उतारो सब। सीख रहा था मैं तो फिलहाल। बिस्मिल्लाह भाई, हमारे पास जो आता है ना फ़ौरन कसाई बन जाता है, समझ रहे हैं, और हमें ना इसकी स्किन के साथ खाल उतारनी है, समझे, ये जो स्किन है ना इसकी केएफसी वाले से। हाँ केएफसी का राज आपको पता चल गया, हमें राज पता था सबके, हमें स्किन के साथ खाल उतारनी है, और स्किन जो होती है ना इसकी बहुत ही ज़्यादा लजीज होती है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चीज़ होती है, बस मट्टी से बचाएगा गोश्त। यार फुल कॉला गोश्त है उस्ताद, क्या फात भाई ज़िबा भी कर दिया? हाँ ना ज़िबा कर दिया, तुम पता नहीं कहाँ घूम रहे थे, मैं वहाँ था यार, मेरे से नहीं देखी जाती यार। अच्छा चलो चेक कर रहे हो इसे कैसा टाइट है, टाइट है यार, ये तो गोश्त कलर देखो, ये तो पूरा काला हुआ है, काला कलर का है ना फुल गोश्त, ये फुल काला ही होता है क्योंकि अयान जमानी होता है ना, वो फुल काला होता है। अच्छा इसका गोश्त भी बड़े मजे का होगा, खाएंगे ना, क्या बनाओगे इसका? इसका हम बनाएंगे मंदी, जो जमीन के अंदर डाल के बनती है। माशाल्लाह से भाई अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा मुर्गा हमने ज़िबा कर दिया है, और बस अब इसकी टांगे वांगे जुदा करते हैं, और फिर इसके बाद इसके अंदर की जितनी भी हथेलियां वगैरह हैं सब बाहर निकालते हैं, और फिर उसके बाद इसका पकाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गो। भाई इसमें तो कितना होगा बेटा? तकरीबन ये 4-4.5 किलो है माशाल्लाह से, और देख रहे हो कितना बड़ा है, उठा के देखो कितना भारी है, भारी बहुत है, है ना, भारी है ना। चलो पकाते हैं यार इसको, अभी बहुत काम है यार करने, चलो। अब हमें खोदना है खड्डा, और खड्डा इसलिए खोद रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर हम लगाएंगे आग, और फिर उसके अंदर हम डालेंगे मुर्गे को। बिस्मिल्लाह ये चेक करो आप, खड्डा फुल बड़ा खोदना है जिसमें खड्डे में वो मुर्गा आ जाए पूरा। आप लोगों के लिए भी एक नई चीज़ है ये, मगर माशाल्लाह से आपको बोला था ना फात भाई को हर काम करना आता। बिस्मिल्लाह खोदो, क्या पता सोना निकल जाए, बाटा भाई का तेल निकलेगा। भाई अभी जो है ना हम लोग चूल्हा बना रहे हैं, और चूल्हा देखें इस मिट्टी से बना रहे हैं, ये जो एक क्ले वाली टाइप मिट्टी होती है, ये चारों तरफ हम इसके लगा देंगे, और फिर ये मिट्टी गिरेगी नहीं, ये जमी रहेगी, और इसके बीच में हम रखेंगे उसको मुर्गे को। चूल्हा तैयार हो चुका है, बस ये जितनी भी मिट्टी बची है ना इसको बाहर निकाल लो, बस इनफ, ज़्यादा हाथ नहीं मारो, बस ये आग की वजह से ना खुद ब खुद जम जाएगी ये। लाओ भाई माचिस लाओ, अबे हमारी माचिस भी फारे हो गई है, अबे माचिस फारी क्यों हो गई, खत्म, नमी है ना इधर, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। माशाल्लाह से भाई हमारा जो चूल्हा है वो तैयार हो चुका है, और उसमें हमने आग भी लगा दी है, ये देखें हमने चारों तरफ इसके, और अब हम इसको जल्दी से चिकन को मसाला वसाला लगाते हैं। ये आग मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि थोड़ा बहुत गर्म हो जाए, नीचे जो लकड़ियां हैं वो कोयला टाइप बन जाए, क्योंकि हमारे पास और भी लकड़ियां, मसला नहीं है, फिर हम और लकड़ियों को डाल के फिर इसके अंदर चिकन डालेंगे। तो देखते जाएं, बहुत मज़ा आने वाला है अभी। अयान समानी कैसे बनाया जाता है और इनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है तो देखते हैं। ये देखें, ये है लाल मिर्च, ये है गरम मसाला, इसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्च है, ये है पनीर, ये चीज़, ये भी चीज़, ये है तिक्का मसाला, और एक अदद दही। बॉय
और ये रही हमारी मुर्गी। तो अब इसको हम मसाला लगाते हैं। हमारे पास क्योंकि कोई चीज़ नहीं है ना, हम सारी चीज़ें इसी में करेंगे। अभी अदरक लहसुन में डालना है इसमें, अदरक लहसुन है, सब कुछ है। अभी देखो हम कैसे मसाला बना रहे हैं और कितना वजनी है यार माशाल्लाह से। चलो बस अब इसमें डालते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे ये मक्खन और ये चीज़ वीज़ ये क्यों रखा हुआ है, अभी सब आपको पता चल जाएगा, टेंशन मत लो। चलो भाई अब इसके अंदर लगाओ मसाला। चलो भाई ऐसे उल्टे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अंदर अंदर तक घुसोड़ दें उसके, बिल्कुल ये इसके पेटू में भी डालें, पेटू में ये इसके पेटू में भी डालें। बेहतरीन, माशाल्लाह माशाल्लाह, मसाला ऐसा लगना चाहिए कि एक जगह भी नहीं रुके, सही है, फुल अंदर अंदर तक घुस जाए। लाओ प्याज लेकर आओ, इसके पेट में प्याज डालनी है। प्याज ला। इसके पेट में हम मक्खन डालेंगे। ये रहा मक्खन, ज्यादा जूसी पसंद करते हैं तो हम मक्खन बहुत ज्यादा छोड़े हाथ हटाए, और इसके स्किन पे भी हम लगा देंगे थोड़ा बहुत मक्खन, फुल क्रीमी। और ये मैंने पूरा मक्खन, इतना बड़ा मक्खन मैंने इसके पेट में घुसड़ दिया है, सारी चीज हम घुसड़ेंगे इसके पेट में। और ये आ गए, ये है पनीर जो छोटे साइज का होता है, मगर हम इसके अंदर 3-4 पनीर घुसड़ेंगे, फुल जूसी। आप लोग तो पसंद करते हो ना जूसी। अब ये थोड़ा सा चीज इसके अंदर डालेंगे, ये मोड़ लेला चीज। और ये है चेदर चीज, इसके पेट में हम ये भी घुसड़ देंगे। इसका पेट इतना बड़ा है, सामान आया जा रहा है, सामान आया जा रहा है। लाओ प्याज दो, ये आ गई भुनी हुई प्याज, ये भी हम इसके पेट में घुसड़ देंगे। ये अभी हमने इसके अंदर प्याज भी घुसड़ दी, भुनी हुई प्याज इसके अंदर हमने घुसड़ दी। अब जो हम इसको खाएंगे ना, अब हमें ऐसी चस आ जाएगी, हम मुर्गे बन जाएंगे इसको खा के। अब इसको हम एल्युमिनियम कॉइल के अंदर रखेंगे चिकन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये चिकन, बिस्मिल्लाह, 6-7 दफ़ा हमें लपेटना है एल्युमिनियम कॉइल को। ये तकरीबन पूरी एल्युमिनियम कॉइल जो है वो इसमें वेस्ट हो जाएगी। लपेटते रहो भाई, बिस्मिल्लाह भाई, माशाल्लाह से आप चेक करें, इसके अंदर हमारा पूरा मुर्गा आ चुका है। क्योंकि जितना लपेटेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा और ये उतने अच्छे तरीके से पकेगी। और इसके बाद हम एक और चीज़ करेंगे इसके अंदर, बिस्मिल्लाह, लपेटे लपेटे लपेटे, ऐसे लाने दें, ऐसे आने दें, ऐसे आने दें, ये ज़बरदस्त, ख़त्म, हमारी पूरी एल्युमिनियम कॉइल ख़त्म हो चुकी है। ये देखें पूरा एक एल्युमिनियम कॉइल का कॉइल था, पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है, और इसमें ख़त्म करना ही था हमें। अब इसके ऊपर हम मिट्टी का पूरा लेप चढ़ाएंगे, मिट्टी से पूरा इसको कवर करेंगे। चलो भाई ये हमने मिट्टी का लेप बना लिया, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा मगर इसको ऐसे ही बनाते हैं, ये टेक्निक ही है, ये बहुत कम लोग बताते हैं ऐसे राज। पूरा हाँ मिट्टी का लेप चढ़ा रहे हैं, बिस्मिल्लाह, मुझे दिखाएं इधर रखें, कैसा खूबसूरत लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है डायनासोर का अंडा। आप आता है, माशाल्लाह ऐसा लग रहा है डायनासोर का अंडा है। इसको हम रख देंगे ना, किसी को पता भी नहीं चलेगा क्या है इसके अंदर। पहले के ज़माने के लोग ना मिट्टी के ऐसी डिफ्रीज़र होते थे उनके पास, फ्रिज कहाँ होते थे पहले के लोगों के पास, वो लोग पैक करते थे केले के पत्तों में, तो वो जो है वो कभी भी ख़राब नहीं होता था गोश्त। अभी हमने इसमें इसको कवर कर दिया, थोड़ा सा बस इसके ऊपर और लेप कर देंगे, फिर इसको सूखने देते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद इसको हम उसके अंदर आग में लगा के फिर हम चलेंगे स्विमिंग करने के लिए। हाँ माशाल्लाह से वही सारी मिट्टी हमने लगा चुके हैं, और अब हम इसको चूल्हे में डालेंगे फाइनली। के अंदर से आवाज आ रही है, आवाज सुनो, आवाज सुनो, ऐसे तो नहीं होता है, आवाज तो आ रही है। चलो 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 चूल्हे में डालो, चलो चलो चलो, हमारा अंडा तो तैयार है अब चूल्हे में डालने के लिए। माशाल्लाह आग लगी ही, ऊपर से नीचे से तो लगी हुई है, बिस्मिल्लाह। अंडर गया, पैक
अब हमारा जो चिकन है वो बनना स्टार्ट हो गया और इसमें आग लग रही है और अब हम जा रहे हैं नहाने के लिए। मजा ही आ जाएगा जब नहा के हम वापसी आएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये बन जाएगा। आएंगे ना तो वो चिकन भी पक चुका होगा इंशाल्लाह। वो तो चिकन तो पक चुका होगा, मैं यहाँ ना पक जाऊँ। गहरा होता जा रहा है गाइस पानी, मेरी टांग डूबती जा रही है और इस पानी में सांप बिच्छू सब हो सकता है। मजे का पानी है यार भाई साहब, क्या मजेदार पानी है, इतना सुकून मिल रहा है और गहरा भी बहुत। मैं डूब रहा हूँ यार बार बार। अबे भाई तू ऊपर रह, भाई तू ऊपर रह, क्या कर रहा है? इस वक्त मैं स्ट्रेट खड़ा हूँ बिल्कुल अपने पंजों पे और इतना गहरा पानी है, जितना आगे जाता जा रहा हूँ उतना गहरा होता जा रहा है माशाल्लाह से। यार आप चेक करो, ये देखें पानी चेक करो यार, माशाल्लाह उस्ताद यार क्या जिंदगी है, इधर ही आके रह लेते हैं यार हम लोग। यहाँ पे आओ, गहरा है भाई, आगे जाते जा रहे हैं गहरा होता जा रहा है। चलो भाई अब फाइनली मैं वाले पानी तक जाता हूँ। मैंने कैमरामैन को पकड़ा दिया, अब आएगा असल मजा। ओके यहाँ पे यहाँ तक पानी है मगर वहाँ पे यहाँ यहाँ तक उससे भी ऊपर तक पानी है। आ जाओ ओ भाई साहब इधर बहुत गहरा है, इधर बहुत गहरा उस्ताद यार, बहुत मजेदार पानी है। आहा बहुत चंगा ना मैं भाई, यहाँ पर मुसलसल तैरना पड़ रहा है, यहाँ पर आप बंदा डूब सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मुर्गा है पक चुका है। ओ भाई साहब ये फुल टाइम गर्म हो रहा है और धुआं भी निकल रहा है इसके अंदर से। इसका रिव्यू जाके हम घर पे देंगे, मजे से खाएंगे। हमने कपड़े वपड़े भी चेंज कर लिए क्योंकि कपड़े बहुत गीले हो रहे थे, ठंडक लग रही थी। अब चलते हैं घर और इसको हम खाते हैं। काला काला मुर्गा, अरे भाई साहब हम पका के इसको घर पे लेकर आ गए हैं, अब इसको खोलेंगे और ऑनेस्ट रिव्यू होगा। मगर एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, मुर्गा काला और हम सब भी काले काले। चलो भाई बैठो सारे मिलके और अब आने वाला है मजा। सारे तैयार हैं फिर इसको ओपन करने के लिए। चलो भाई साहब अब तो मजा आने वाला है, मगर बहुत गर्म हो रहा है और सोचो अगर ये बना हुआ नहीं हुआ तो हमारा पोपट हो जाएगा। और अल्लाह करे ये बना हुआ हो, हमारी मेहनत जो है वो वसूल हो जाए। बहुत गर्म है और बहुत गर्म है। चलो भाई हैप्पी बर्थडे काले मुर्गे। जब इसका पूरा कपड़े उतरेंगे फिर कैसा लगेगा ये। ओ भाई साहब अबे मेरे मुंह तो अभी से ही पानी आ रहा है, इतनी बेहतरीन आ रही है। आहा हा हा हा, ओहो मजेदार लग रहा है उस्ताद, अंदर तो फुल मक्खन का लसा लस है माशाल्लाह। फुल काला मुर्गा और ये सब मक्खन है, ये जो इसमें ऑयल है ये सब मक्खन है उस्ताद। अबे हमने तो काला मुर्गा बनाया था मगर ये तो अंदर सालन पक गया इसके, ये चेक करो इसके अंदर सालन पक गया। ओ भाई साहब रोगनी वाला मुर्गा माशाल्लाह। आय हाय हाय धुआं चेक करो उस्ताद, ओए 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 और फुल गला हुआ गोश्त, अरे माशाल्लाह क्या गला है उस्ताद, फुल गला हुआ गोश्त है, मेरे हाथ फुल जल रहे हैं। चेक करो आप कैसे रान निकाल ली मुर्गे, ये देखो आहा माशाल्लाह। रिव्यू तो देना चाहिए ना भाई का, ऑनेस्ट रिव्यू। यार एक लेग पीस मेरा था। माशाल्लाह यार क्या चीज है, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह चेक करो माशाल्लाह से कितना बाप है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। क्या मजे का उस्ताद, ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। इसका चेस्ट काटूंगा थोड़ा सा, इसका चेस्ट ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ओए 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 चेस पीस, आ मेरे गला आग लगी। ये देखो ये देखो ये देखो चेस पीस खाता हूँ, आ ये चेस पीस, आ मक्खन का क्या टेस्ट आ रहा है। अरे भाई साहब
ओए रॉन चेक करो कैसे मक्खन मलाई की तरह गई है। चलो भाई अब आइए वैम्पायर भाई की बारी, ऑनेस्ट रिव्यू देना भाई वैम्पायर पे पकड़ो। बड़ी देर में नंबर आया यार। चिकन लेग पीस, चिकन लेग पीस। चीज तो बढ़िया यार, मजा आ गया। मैं नहीं मानता। चेक करो ये वाला लुकमा, माशाल्लाह ये हमने लगाया सॉसेज में के बाद हरी चटनी में, और ये आहा बहुत चंगा ना मैं। मजा ही आ गया भाई। क्या बात है, काला कलर का गोश्त है इसका और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मजे का। हाँ भाई मजे का है ना, बहुत मजे का है ना, मजे का है ना, मजे का है ना, मजे का है ना, मजे का है ना यार, बहुत मजे का है, सच में बहुत मजे का है, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ। और इसके अंदर ये जो हमने सालन है ना, इसके सालन के अंदर ये जो दबा के खा रहे ना, ये एक अलग ही नेक्स्ट लेवल पे गया। ये देखो कैसे टूट रहा है, ये देखो हाथ में आया, इसको हमने रोगन में लगाया, उसके बाद ये इसमें ऐसे लिया, ये इसमें ऐसे चटनी में डुबाया, फिर उसके बाद हमने, अबे भाई साहब ये लोग तो टूट पड़े, इन लोगों से तो रुका ही नहीं जा रहा, इतने मजे का है यार, मतलब मजा ही आ गया यार। आप लोग भी ऐसे कभी ट्राई करेगा, ये देखें कैसे टूट रही है, फुल बोटी ऐसे करके टूट रही है, ये चेक करो, है मजा, मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा इसको छोड़ने का, मैं तो बस बोल रहा हूँ खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। पेट के अंदर चीज डाली थी वो तो दिखाओ, ये रही वो चीज, ओ भाई साहब, अबे इसकी टांगे भी काली है, भैंस की टांगे भी काली, हमने तो सब खा गए भाई, मजा ही आ गया। अरे बस कर, रुलाएगा क्या, तो खा के